Good morning, everybody. Please sit down, Mitte. Please sit down and wave your right hand if I am clearly audible. Please wave your right hand if I am clearly audible. Seventh class में एक भी बच्चा हाथ वेव नहीं कर रहा. Seventh C. I am not audible. Seventh C. सेवन सी में मैं सुनाई नहीं दे रहा. एक भी बच्चे ने हाथ नहीं वेव कर. ओके सेवन सी. ओके सेवन्थ ई. एम आई ऑडिबल? सेवन्थ ई. अच्छा बेटे, सेवन्थ डी और सेवन्थ ई का माइक ऑफ है, दोनों ऑन कर दो. सेवन्थ डी एंड सेवन्थ ई, योर माइक्रोफोन इज ऑफ, प्लीज स्विच इट ऑन. सेवन्थ डी का अभी भी ऑफ है. यस, नाउ ऑल करेक्ट. शाबाश. वी वर डूइंग स्फेरिकल मिरर्स. सभी बच्चे डेट डालें और मैं आज आपसे फोर रूल्स पूछने, आपने मेंटली रिवाइज कर लो. व्हाट वर द फोर रूल्स? व्हाट वर द फोर रूल्स? शाबाश. मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूं, मेंटली रिवाइज कर लो. अभी मैंने फोर डायग्राम दिखाई हैं एंड देयर इज अ पॉइंट, पोल इज क्लियरली मेंशन इन ऑल द फोर डायग्राम्स एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. इन एवरी डायग्राम ऑब्जेक्ट इज शोन, राइट? सपोज अप टू हेयर इट इज प्रिंसिपल फोकस एंड डबल ऑफ दैट इज ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके शाबाश, फोर डायग्राम्स आर शोन. नाउ आई हैव टू आस्क यू द क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल. सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा सेवंथ बी, जतिन. जतिन एंड जेसिका प्लीज कम ऑन द माइक. सेवंथ बी, जतिन एंड जेसिका प्लीज कम ऑन द माइक. जतिन बेटे शाबाश. माय क्वेश्चन टू यू इज, कोई बच्चा जतिन की हेल्प नहीं करेगा. जतिन ध्यान से देखोगे, अगर ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कंकेव मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरती है, वापस कहां से आती है? जतिन, एनी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इफ स्ट्राइक्स द मिरर, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगी, कौन से बिंदु से गुजरती है? हाँ जी, फोकस. फोकस वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर जस्ट दिस गाय. जतिन हैज गिवन आंसर वेरी करेक्टली, शाबाश. तो जतिन ने मेरे को बताया बेटे कि सर अगर आपकी लाइन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो स्ट्राइक करने के बाद आपका जो फोकस पॉइंट है उससे वापिस आएगी रिफ्लेक्शन के बाद, स्ट्रेट लाइन. गॉट इट? नाउ माय क्वेश्चन इज टू जेसिका. जेसिका बेटे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस में से आ गई, लेकिन अगर इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू जाएगी तो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां से कैसे वापस आएगी? शाबाश. प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से निकलेगी या पैरेलल निकलेगी एक्सिस बेटे? सर आप पैरेलल. पैरेलल, बिल्कुल सही. ये येलो वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है और हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद येलो लाइन के पैरेलल आएगी, करेक्ट. शाबाश. दो बच्चे बुलाए, दोनों ने रूल नंबर वन बिल्कुल सही बताया, रूल नंबर टू बिल्कुल सही बताया. फुल मार्क्स टू जेसिका, क्लैपिंग फ्रॉम माय साइड. नाउ आई एम कॉलिंग अनदर टू स्टूडेंट्स. सेवंथ ए में हरप्रीत एंड खुशी प्लीज कम ऑन द माइक. सेवंथ ए हरप्रीत एंड खुशी.
बेटे जल्दी आया करो, आगे भी बढ़ना है। शाबाश। आपके लिए मेरा जो क्वेश्चन है ना बेटे, वो ये है, योर अटेंशन। अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टली पोल के ऊपर गिरती है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे आएगी? माई क्वेश्चन टू हरप्रीत। बेटे ऐसे लाइट गई ऑब्जेक्ट से, पोल पे गिरी, अब उसने टकराने के बाद वापिस आना है, रिफ्लेक्शन होने के बाद कैसे आएगी वापिस? सर, बोलो। कल कल का लेक्चर ध्यान से याद करो, ध्यान से। टीचर ने क्या चार रूल बताए थे? दो तो उनमें से ये थे, तीसरा आप बता रहे हो। क्या बोल रहा है टीचर? अगर लाइट पोल के ऊपर गिरेगी तो वापिस आते वक्त कौन से रूल को फॉलो करेगी? स्ट्रेट लाइन तो आएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन किधर को? ऐसे ऐसे। और कौन सा वो फार्मूला है जिसको फॉलो करके आएगी? चलो यही क्वेश्चन खुशी से पूछते हैं। खुशी अवेलेबल? वेर इज खुशी? सेवंथ है, सेवंथ ए में खुशी नॉट अवेलेबल। ओके, सेवंथ ई में ध्रुव, ध्रुव है सेवंथ ई में। प्लीज कम ऑन द माइक। सेवंथ ई ध्रुव, प्लीज कम ऑन द माइक। आई बेटे एक्टिव होना है। आपको यह बताना है, अगर रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर गिरती है तो वापस आते हुए स्ट्रेट लाइन आएगी। ये हरप्रीत ने बताया, बिल्कुल सही आएगी। क्या वो नीचे को टेढ़ी आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ऊपर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से आएगी? शाबाश। सही कोई 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 एंगल की इक्वालिटी करके आएगी, कैसे आएगी? ध्रुव कहां पर है? सेवंथ ई। माइक पे मेरे को दिख नहीं रहा कैमरे में। बच्चा कैमरे के सामने आओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ अब दिख रहे हो बेटे। सर, हाँ नीचे जी, की साइड नीचे की साइड टेढ़ी आएगी या सीधी आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस टेडी। टेढ़ी आएगी, लेकिन क्यों? बिल्कुल सही, ऐसे आएगी, लेकिन क्यों आएगी? एक रूल बताया था आपको, यहां पर मैंने एक रूल बताया था, दिस और दिस, कुछ याद आया? यहां पर कौन सा एंगल बताया था? बाकी क्लास बोलो। शाबाश, ये वाला बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला कौन सा? एंगल रिफ्लेक्शन। ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों में क्या रूल बताया था टीचर ने? बोलो रूल क्या है? बोथ इक्वल। आर इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा थर्ड रूल था। शाबाश बैठो। अब है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल मैंने इधर बना रखा है, देखो ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की से चलने वाली लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को फॉलो करते हुए मिरर से टकराती है, मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बेटे हम, ठीक है। अब ये जो हमारी इंसिडेंट लाइट है ना ग्रीन कलर की, ये कर्व्ड मिरर से टकराई ऐसे 90 डिग्री पर, 90 पे टकराती है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो वापिस कैसे आएगी? शाबाश। माय क्वेश्चन इज टू सेवंथ ई में करणप्रीत, सेवंथ ई में करणप्रीत, प्लीज कम ऑन द माइक। और जसलीन भी माइक पे आ जाए, सेवंथ ई। हाँ करणप्रीत आप बताओ बेटे।
ये लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू गिरती है मिरर पे वापस कैसे आती है? बोलो बोलो, कल का लेक्चर ध्यान से माइंड में याद रखते हो, बोल दो कुछ ना कुछ आंसर दो। माइक आपका नहीं बोल रहा बेटा, शायद आवाज नहीं सुन रही सेवंथी में। प्लीज गेट योर चेक माइक चेक्ड। सेवंथ एफ का बच्चा नवी, नवी और दिशांत प्लीज कम ऑन द माइक। सेवंथ एफ, सेवंथ एफ क्लास ही नहीं आई। हाँ आगे बेटे, शायद मर जो कर बैठे बेटे। नवी या दिशा, मैं ये पूछ रहा हूं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है 90 डिग्री पर टकराती है, वापस कैसे आएगी? बेटे माइक ही नहीं चलता आपका, अच्छे से पास करके ऑन करो पहले। देर इज सम प्रॉब्लम इन द माइक। ओके लेट मी गो टू सेवंथ डी। दीक्षा, दीक्षा अरुणदीप, दोनों माइक पे आ जाओ। दीक्षा एंड अरुणदीप, सेवंथ डी। हरी अप बेटे, हरी अप, डोंट बी ए लेजी गाय। बेटे हम अरुणदीप बच्चे, मेरी बात यह है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाती है इंसिडेंट, वो मिरर से टकराने के बाद कैसे आएगी वापस? माइक तो लो। ऐसे जा रही है, मिरर से टकराई, वापस कैसे आएगी रिफ्लेक्शन के? ओके यही क्वेश्चन दिशांत के पास है। दिशांत हाँ बोलो बेटे, बोलो। सर, इट रिटर्न्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड, किसने बताया, क्या नाम बताया? सर दिशांत। निशान, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापिस आएगी, फोर्थ रूल भी आपने बिल्कुल सही बताया। ये चारों चीजें कल के लेक्चर में सबसे मुश्किल थी, और बड़ी खुशी की बात है कि अपनी क्लास में चारों चीजें आपने बता दी हैं। थर्ड रूल आपको थोड़ा मुश्किल लगा, ध्यान से याद रखना, अगर आई एंगल है और आर एंगल है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये चार रूल इस बार हमने अलग अलग डायग्राम में बनाए, जो कल हमने बनाए थे वो एक ही डायग्राम में बना दिए थे। अब ध्यान दे, आप कहोगे सर कल वाली डायग्राम बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनना, इस फिगर को इसके ऊपर उठा के रख दो, दोनों के जोड़े को इसके ऊपर उठा के रख दो, और तीनों के ट्रिपलेट को इसके ऊपर उठा के रख दो। पी से पी मैच करवाना है पोल से, कल वाली डायग्राम बन जाएगी। ओके समझ आई बात? इफ यू हैव गॉट फॉल ऑल दी फोर रूल्स, प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। अब जिनके हाथ ही वेव नहीं कर रहे, या तो मैं उनसे पूछूंगा या फिर वो लेजी है। जो गर्दन नीचे को कर ली ना, उनसे तो मैं स्पेशल पूछूंगा। एक तरफ आपको जवाब देना है, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड वेव करो। कोई भी बच्चा जिसको नहीं समझ आया, ओपन, बाकी डाउन डाउन डाउन, राइट वाले डाउन, राइट, जिनको समझ आ गया वो राइट करा था उन्होंने, ओके डाउन। जिनको नहीं समझ आया, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, लेफ्ट हैंड खड़ा करो, वेव करो। शाबाश, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे घर के बच्चे हैं, मैं दोबारा बताऊंगा, किसी को कोई झिड़क नहीं पड़ेगी। जिसको नहीं समझ आया, लेफ्ट हैंड वेव करो, शाबाश। डोंट शाई, डोंट शाई। देखो मैं आपको एग्जॉर्ट कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा, अगर किसी के मन में क्वेश्चन है ये चारों रूल समझने में, तो वो लेफ्ट हैंड वेव करे। ओके नोबडी इज वेविंग, इट मींस आई एम कंक्लूडिंग दैट All these four rules are clear to my students. Okay, इसके बिना कल मैंने क्या बताया था? देखें कौन बच्चा बताता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पोल के नजदीक लेकर जाऊंगा तो इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कौन बच्चा बताएगा? ओपन क्वेश्चन,
ब्रिलियंट बच्चा बता सकता है, ओपन क्वेश्चन। आ जाओ माइक पे आ जाओ, सेवंथ जी में एक बच्चा है माइक पे आ जाओ, गर्ल है, यस फर्स्ट बेंच पे जो गर्ल, हाँ बेटे हाँ बोलो बोलो। शाबाश, ये बच्चा बोल रहा है जे ऑब्जेक्ट जितना पोल के ज्यादा नजदीक जाएगा, इमेज उतना ही पोल से दूर होता जाएगा और साइज में बड़ा होता जाएगा। बेटे साथ में साइज भी बोलना है, ये तो आपने बोल दिया अवे फ्रॉम द पोल, गुड, लेकिन साथ में ये भी बोलना है इमेज साइज विल आल्सो इंक्रीज। ओके, ये कल मैंने लिखवाया भी था आपको कॉपियों पे, राइट। एक जो इमेज बनता है, जैसे हम यहां पर बना के देखते हैं, देखो बेटे इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज चाहिए होती हैं, टू रेज। ध्यान से सुनो, किसी भी डायग्राम में मैं इमेज बना सकता हूं, इसको यूज करते हैं। चलो एक रे तो है ही है, दूसरी रे बनानी है, कौन सा लो, ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, उसके ऊपर डाल दो इसको, कोई भी ले लो। मान लो मैंने ये वाला उठा के ले लिया, तो कैसे करूंगा, सेकेंड रे ऑफ लाइट मैं प्रिंसिपल फोकस में से निकाल रहा हूँ व्हाइट कलर में स्ट्रेट लाइन। मेरे बच्चे ने अभी अभी मेरे को बताया कि सर जब आपकी फोकस में से लाइट जाती है ना स्ट्रेट लाइन, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर आ जाती है, तो व्हाइट लाइन यहां से पैरलर आएगी वापिस येलो लाइन के पैरलर, क्यों, येलो लाइन को टीचर ने प्रिंसिपल एक्सिस लिखा। ओके, ये दोनों रेज कहां पर कट हुई, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इमेज बनेगा। इमेज का ये जो टिप है, ये जो हेड है ऑब्जेक्ट का, टिप हेड कहां पर आएगा, नीचे को लटका हुआ या ऊपर को। शाबाश, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, हु विल टेल, इनवर्टेड और इरेक्ट, कौन बताएगा, सर इन्वर्टेड। इनवर्टेड, बिल्कुल सही, शाबाश। तो क्योंकि हेड से चली हुई लाइन है, हेड ही तो बनाएगी, इनवर्टेड इमेज, गॉट इट। अच्छा अब इसमें कोई बच्चा कहता है सर मेरे को इसमें बना के दिखाओ आप इमेज, वेरी सिंपल, रे डायग्राम इसमें बना लेते हैं, इनमें से कोई भी एक उठा लो रेज, उसके मिक्स कर दो। बच्चे कहते हैं सर आप ये वाली बनाओ, ये पोल वाली उठा लो, मैंने कहा ओके, तो पोल के ऊपर गई व्हाइट लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसके बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना है, ये देखो दोनों एंगल मैंने बराबर बनाए, आई डैश इक्वल टू आर डैश, ये निकल गई व्हाइट ले, कहां पर टकराई, यहां पर, गॉट इट, जहां पर टकराई दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर इमेज बन गई, गॉट इट, यस और नो, समझ आया ये इमेज की नेचर क्या है, इनवर्टेड या इरेक्ट। बेटे ये उल्टा लटका हुआ है या सीधा है, ओपन क्वेश्चन है ये, नॉट इनवर्टेड, इनवर्टेड, शाबाश, जैसे ऊपर इनवर्टेड था नीचे भी, स्पेलिंग क्या है इनवर्टेड के, INVERTED, इनवर्टेड। जब मैं किसी बच्चे का नाम ना लेकर जनरल में पूछूं तो कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है, चुप नहीं रहना होता, अगर आपको पता है तो बोले, आप वेट करते रहते हो सर नाम लेंगे। ओके, अगर मैंने यहां पर डायग्राम बनाना है सी वाले में, कोई भी एक उठा लूं, पहले वाला रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर जाएगी रे ऑफ लाइट, फोकस में से गुजर जाएगी, ये लो गुजर गई, कहां पर कट करा, यहां पर, जहां पर कट करा वहां इमेज बना, आर आर ए डायग्राम, समझ, बोलो यस और नो, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, शाबाश शाबाश, गुड इंडिकेशन। अब यहां पर देखते हैं, सर मैं यहां पर बनाना चाहता हूं इमेज, लो अभी लो, तो मैं क्या करता हूं इसमें कलर चेंज कर लेते हैं बेटर विजिबिलिटी के लिए, ये मैंने आपके लिए ब्राउन सा कलर ले लिया, चलो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर गया, कहां से निकलेगा,
सर ये पोल्स प्रिंसिपल फोकस से निकलता है, ये लो टकरा दिया, गॉट इट, कहां पर कट कर गई, यहां कट कर गई, और ये इमेज बन गई। अब एक बच्चे ने मेरे को बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटे, दूसरे किसी और जगह पर मैं लेक्चर ले रहा था, ध्यान से सुनो कितना अच्छा क्वेश्चन था। बच्चा कहते हैं सर आपकी रेज यहां भी तो कट कर रही है, देखो ग्रीन लाइट आपकी ऐसे जा रही, ये वाली ऐसे जा रही है, तो यहां भी तो कट कर रही है, हमने यहां क्यों नहीं इमेज बना दिया, कोई बता सकता है इसका रीजन, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। ऑरेंज रे गई ये निकल गई, ग्रीन रे गई ये निकल गई, लेकिन ये दोनों यहां भी कट करी और यहां भी कट करी, और टीचर ने इमेज यहीं पर बनाया वहां नहीं बनाया, कौन बच्चा बता सकता है, जिसका ब्रेन बहुत ही बढ़िया होगा ना, ब्रिलियंट बेस्ट बच्चा सारे सेक्शन में, वो बता पाएगा, मैंने नहीं अभी ये बताया आपको, शाबाश। देखें कोई ऐसा बच्चा कि सर कट तो यहां भी हो रही है, आपने यहां क्यों नहीं इमेज बना दिया, यहां क्यों बनाया, बोलना नहीं तो डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा बोल रहा है मेरे को अच्छे से सुनी नहीं उसकी आवाज, दोबारा बताओ, इमेज यहां नहीं बनाया, यहां कहां पर, इमेज इज फॉर्मड आफ्टर रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, कौन सा बच्चा है ये, कौन सा बच्चा, प्लीज टेल योर नेम दिशांत बेटे। दिशांत बच्चे के लिए सारे सेक्शंस के सारे बच्चे मेरे कहने पर क्लैप करें, प्लीज प्लीज, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है दिशांत ने, बैठो प्लीज टेक। बेटे ये बच्चे ने पकड़ लिया कि सर ग्रीन कलर तो आपका इंसिडेंट रे है, ऑरेंज रिफ्लेक्टेड है, जबकि इमेज जो बनता होता है उसमें दोनों रेज रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए, आती हुई होनी चाहिए, मिरर से टकराने के बाद वाली होनी चाहिए, वहां पर जो इंटरसेक्ट करेंगी वहां इमेज बनेगा। अगर आप ये वाला पॉइंट लेते हो तो ग्रीन तो अभी उसमें इंसिडेंट है, ऑरेंज जरूर रिफ्लेक्टेड है, आप इमेज नहीं बना सकते क्योंकि एक इंसिडेंट है एक रिफ्लेक्टेड है। इमेज कहां पर बनता होता है, जब दोनों रेज ऑफ लाइट इमेज की तरफ आए, ना कि इमेज से परे जाए, गॉट इट, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, लिखो ये वाला पॉइंट, लिख लो शाबाश, इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ओनली, रिफ्लेक्टेड रेज ओनली, शाबाश। सभी बच्चे असाइनमेंट ओपन करेंगे, हरी अप, प्लीज पुल आउट योर असाइनमेंट, मॉड्यूल M2, बेटे मेरे को बताया गया है ये बच्चा 7E में, जसलीन, शी इज शी अवेलेबल, जसलीन 7E, नहीं अवेलेबल, सेवंथ E में एक बच्चा है अश्विन दिया, यही नाम है बेटे अश्विन दिया है, अश्विंदर आर लिखा हुआ, अच्छा अश्विंदर, प्लीज कम ऑन द माइक, प्लीज कम ऑन द माइक, अश्विंदर 7E, बाकी बच्चे मेरे को बता दिया करो बेटे अगर वो एब्सेंट है तो, 7E अश्विंदर प्रेजेंट और नॉट, एब्सेंट है एब्सेंट बोल दिया करो ना, इतने टाइम बचता है हमारा, हरसिमरत 7C, 7C हरसिमरत अवेलेबल, नहीं है, पता नहीं बच्चे आ ही नहीं रहे माइक पे, हाँ 7C पे आया, आया बच्चा आया, शाबाश बेटे, आपका काम ये है, मॉड्यूल सेकंड है ना जो, उसमें एक पैराग्राफ से दे रखा है, ये अच्छी आपने इसको अच्छे से इंग्लिश में पढ़ना है बस, माइक के ऊपर इस सारे को, कनिका वाला, कनिकाज फादर, प्लीज रीड दी पैराग्राफ, बोलो, कनिकास फादर्स मेड
with an accident. All through it was minor accident, but the headlight on rear view mirror of the scooter was completely broken. Kanika's father went to mechanic. Kanika also went with his father. The mechanic was replacing the error mirror with a plain mirror bike, but Kanika immediately stopped the mechanic for doing so. He explained the inconvenience that the driver of the scooter will face while using it. शाबाश, बैठो बैठो। तो बच्चे, हमारा ये बच्चा पढ़ रहा था, थोड़ा सा स्लो पढ़ रहा था। आज मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं जिससे आप इंग्लिश को फास्ट पढ़ सकते हो। सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, इंग्लिश को फास्ट पढ़ने का फार्मूला, किसी भी सब्जेक्ट की इंग्लिश हो, जिस वर्ड को आपने बोलना है ना, उससे तीन चार शब्द आपने आगे देखना है, उससे नेक्स्ट वर्ड्स को देखना है। जैसे कनिका फादर मेट अप विद एन एक्सीडेंट, ऑल्दो इट वाज अ माइनर एक्सीडेंट, बट द हेडलाइट एंड द रियर व्यू मिरर ऑफ द स्कूटर वाज कंप्लीटली ब्रोकन। देखो, कहीं अटक नहीं लगा। एक ही फॉर्मूला है, जिस वर्ड को आपने बोलना है उससे तीन चार वर्ड आपने नजर आगे रखनी। कनिका फादर वेंट टू मैकेनिक, कनिका ऑल्सो वेंट विद हिज फादर, द मैकेनिक वॉज रिप्लेसिंग द रियर व्यू मिरर विद अ प्लेन मिरर, बट कनिका इमीडिएटली स्टॉप द मैकेनिक फॉर डूइंग सो। He explained the inconvenience that driver of the scooter will face while using it. अब मैं इसका मतलब बताता हूं बच्चे। कनिका अपने पापा के साथ कार में जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया कार का, रियर व्यू मिरर टूट गया। अब वो मैकेनिक के पास रिपेयर कराने जा रहे हैं। मैकेनिक क्या करता है, रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, जिसमें देख के हम सड़क पर चेक करते हैं कि हमारे व्हीकल को कौन कौन सा व्हीकल फॉलो कर रहा है, कोई पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। रियर में नहीं, पीछे, पीछे का देखना है हमने। स्कूटर जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारे व्हीकल की बैक साइड पर कौन कौन हमें फॉलो कर रहा है, ये देखना होता है, ठीक है। और याद रखना बेटे, जो व्हीकल होता है उसका जो मिरर होता है वो हमेशा कन्वेक्स होता है। लिखो सभी बच्चे, लिखो द रियर व्यू मिरर, एवरीबॉडी प्लीज राइट द रियर व्यू मिरर of the rear view mirror of any vehicle is convex spherical mirror, convex spherical mirror, convex कैसा होता है बेटे, ऐसा इधर से पॉलिश करना पड़ेगा। अटा बेटे, यहां पर ये होता है पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो आप, मेरे पास एक बड़ा स्पून है, अगर मैं ये साइड आपको दिखाता हूं तो ये कॉनकेव है, लेकिन ये साइड दिखाऊं ये कॉन्वेक्स है। आपका जो कर्व्ड रियर व्यू मिरर होता है ना व्हीकल का, बेटे रियर व्यू मिरर, वो ये वाली साइड होती है। हम इस ऐसे ड्राइवर बैठा है, इसमें देखेंगे हम बैक साइड पे जो व्हीकल आ रहे होंगे उनकी फोटो इसमें आएगा, यहां से टकरा के हमारी आंखों में आएगा और हमें जजमेंट हो जाएगी पीछे क्या आ रहा है। तो रियर व्यू मिरर हमेशा कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स। अगर हम इसको जैसे कि मैकेनिक कर रहे हैं कॉन्वेक्स को हटा के बिल्कुल प्लेन मिरर लगा देंगे, बिल्कुल सीधे वाला प्लेन मिरर, तब हमारी ये देखो जैसे ये ग्लास स्लैब है ना, ये प्लेन है। अगर हम ऐसा मिरर ले लें बिल्कुल स्ट्रेट और कॉन्वेक्स को हटा के प्लेन मिरर लगा दें, ये देखो मेरे पास पड़ा, ये प्लेन मिरर होता है, और जो स्पून टीचर ने इधर से पकड़ा ये मेरे लिए कन्वेक्स है। अगर मैं इसको हटा के इसको लगाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये आएगी, इसमें मेरे को एक दो व्हीकल ही दिखाई देंगे पीछे, और कन्वेक्स मिरर में पीछे वाले सड़क का वाइडर व्यू नजर आता है, लगभग सारे व्हीकल नजर आ जाते हैं, पूरी सड़क नजर आती है। तो इसलिए आपने कभी भी कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर को ये नहीं सोचता सोचना कि वो टूट गया तो मैं नया कांच लाकर ग्लास लाकर लगा दूं, ना, ये स्पेशल होता है। यू कैन नॉट रिप्लेस द कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर बाय प्लेन मिरर। अगर आप ऐसा करोगे तो सड़क में से एक दो व्हीकल दिखेंगे, बाकी आपको नहीं दिखेंगे, पूरा रोड का व्यू नहीं मिलेगा, और चलाने वाले ड्राइवर से गलती हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। लिखो शाबाश। इफ वी रिप्लेस दी शाबाश इफ वी रिप्लेस दी ब्रोकन कन्वेक्स रियर व्यू मिरर बाय प्लेन मिरर, आई रिपीट, इफ वी रिप्लेस दी ब्रोकन कन्वेक्स रियर स्फेरिकल मिरर बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर कॉमा, देन ओनली पार्शियल व्यू ऑफ दी रोड विल बी विजिबल टू ड्राइवर, विल बी विजिबल टू ड्राइवर। मैंने लिख भी दिया बोर्ड पे कुछ, विच इज डेंजरस फॉर, विच इज डेंजरस फॉर ड्राइवर, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। आप देखो बेटे, रियर व्यू कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम सीखते हैं सभी बच्चे, बोर्ड पे देखो, हेडिंग भी लिख दो, रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर, हेडिंग। योर अटेंशन, देखो बेटे, मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो यहां पर है फोकस, और उससे एग्जैक्टली डबल दूरी पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ध्यान से सुना, जो रे ऑफ लाइट, क्या जो रे ऑफ लाइट फोकस में से जाएगी, ये ऐसे करते हैं, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो टकराने के बाद नीचे को नहीं आएगी अब, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, लेकिन देखो बेटे, इसका फोकस इधर भी होगा, सिमेट्रिकली फोकस इधर आप रहने ही दो, ध्यान से सुनो, इधर से हटा देते हैं हम, गौर से देखो, बच्चा कहेगा सर आपने एफ इधर क्यों लगा दिया, सी इधर क्यों लगा दिया, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस कांच के गोले, ये जो हमारे पास कर्व्ड मिरर है, इसका पूरा कांच का गोला बनाऊंगा, पूरा कांच का गोला, तो इधर को स्फीयर बनेगा, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बना, फोकस इधर बना, फोकस से डबल दूरी पर होता है, जितना ये होता है पोल, ये पोल है हमारा, पोल से फोकस, उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। अब ध्यान से सुनना, टीचर ने क्या रूल सिखाया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई हुई लाइट फोकस में से गुजरेगी, बोला था, पर फोक अंदर तो जा ही नहीं सकती मिरर के, यहां से तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, तो क्या करें, वो हम एक ऐसी रे निकालेंगे, डॉटेड रे, डॉटेड लगानी या असली नहीं लगानी, डॉटेड, इसको एक्सटेंडेड बोलते हैं, जो इसको फिर आगे फॉरवर्ड आपने स्ट्रेट लाइन कर देना, असली में तो लाइट यहां से गई, मिरर से टकराई, यहां पर आई,
लेकिन जो ऑब्जर्वर इसको यहां से खड़ा होकर अपनी आंख से देख रहा होगा, उसको तो हमेशा ऐसे लगेगा कि एफ से आ रही है लाइट, फोकस से। क्यों लगेगा? क्योंकि आंख क्या सोचती है हमेशा? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। वो सोचेगी लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। तो टीचर ने आधी लाइन डॉटेड क्यों दिखाई, आधी सॉलिड क्यों दिखाई? जो असली रेज ऑफ लाइट का रास्ता होता है, लाइट की रे इधर से आई इधर गई, उसको तो सॉलिड दिखाना होता है, कहीं भी डॉटेड नहीं दिखाना। लेकिन जो आंख सोचती है, आंख क्या सोचती है? स्ट्रेट लाइन में। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये टीचर ने डॉटेड लाइन, एक्सटेंडेड लाइन बोलते हैं इसको, जहां पर एक्चुअल में रे जाती नहीं, पर ह्यूमन आई सोचती है कि वहां से आएगी। क्यों सोचती है? क्योंकि वो एक ही बात मानती है, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ओके, और देखो दूसरी बात, अगर लाइट फोकस के ऊपर ही थ्रो कर दूं तो क्या होगा? मैं कलर चेंज कर लेता हूं बेटे, इस बार हम येलो कलर लेते हैं। देखो ये देखो, मैं इसके ऊपर थ्रो करने लगा हूं लाइट, ध्यान से देखना, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये गया। जैसे ही मैं इसको फोकस की तरफ लेके जाने लगा, योर अटेंशन, इंपॉर्टेंट बात, बच्चा कहेगा सर मिरर के अंदर तो जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये बीच में यहां से तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी। पर रूल क्या सिखाया था टीचर ने, कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस में से गुजरेगी या आती हुई लगेगी। इसमें आती है, कॉनकेव मिरर में एक्चुअल में गुजरती है। इसी तरह से जो लाइन फोकस पे गिरेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल, ध्यान से देखो, यहां से टकराई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। देखो ये येलो लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो व्हाइट कलर से उसके पैरेलल आ रही है। पैरेलल का क्या मतलब होता है बेटे? यहां से भी उतना गैप, यहां से भी उतना गैप, यहां से भी दोनों में उतना गैप, यहां से भी, ऐसे लाइट चलेगी। पर जो ऑब्जर्वर इसको यहां से खड़ा होके देखेगा, उसकी आंख को क्या लगेगा? कि ये स्ट्रेट लाइन में आ रही है। स्ट्रेट लाइन में आ रही है तो बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा। आगे एक्सटेंड कर दिया तो दोनों रेज कहां पर कट करी? यहां पर कट करी, ध्यान से देखो, यहां पर कट करी, एक्सटेंडेड वाली ये येलो वाली और पुराने वाली व्हाइट वाली एक्सटेंडेड यहां पर कट करी। जहां पर ये दोनों कट करी, वहां बिना सोचे समझे आप इमेज बना दो। ये बना दिया मैंने इमेज, ठीक है? फिर से देखो, ये देखो, मैं कलर चेंज कर दिया ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी मिले। ये इमेज बन गया। आप बच्चा कहेगा सर आपने येलो लाइन को आगे क्यों एक्सटेंड कर दिया? फिर वही बात, ह्यूमन आई ऑलवेज थिंक्स दैट रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। तो उसको नहीं पता ऐसे येलो लाइट यहां से आई, टकरा के वापस आई, वो तो सोचेगी स्ट्रेट लाइन में आ रही है। तो जहां पर ये दोनों रेज कट करी, वहां पर इमेज का हेड बन गया। अब सबसे खास बात, इतने बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा सा इमेज बना। जब छोटा सा इमेज बने तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, डिमिनिश, डिमिनिश्ड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रियर व्यू में सड़क के ऊपर बहुत सारी चीजें आ रही हो, बस आ रही हो, ट्रक आ रहा हो, कार आ रही हो, काफी सारी चीजें फॉलो कर रही हैं, उनके छोटे छोटे इमेज बनेंगे, तो हमारा रियर व्यू मिरर होएगा ना, जो कन्वेक्स वाला, वो पूरी सड़क का व्यू ले जाएगा, क्योंकि सारे बड़े व्हीकल का छोटा सा इमेज बनेगा। और एक बात, यहां पर हेड ऊपर को है, ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर को है, तो इमेज का हेड भी ऊपर को ही है, इसलिए ये इमेज इरेक्ट बना, इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं बना, इरेक्ट बना। और एक बात, सबसे खास बात, ये इमेज बनने के लिए दोनों रेज में से एक भी रे असली नहीं है, एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड, आंख सोचती है। जब एक्सटेंडेड रेज हो, एक भी एक्सटेंडेड रे हो, यहां तो दो दो हैं, एक भी एक्सटेंडेड रे हो,
तो इमेज जो होता है वो रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है, वर्चुअल। इमेज क्या हो गया? वर्चुअल। और क्या हो गया? इरेक्ट। और क्या हो गया? डिमिनिश्ड। अगर इन तीनों वर्ड्स को हम मिक्स कर दें तो वो नेचर ऑफ इमेज बन जाएगी। कन्वेक्स मिरर में नेचर ऑफ इमेज के क्या करेक्टर हो गए कन्वेक्स मिरर में बेटे? मेमोरी टूल डी अल्फाबेटिकली ई वी देव, देव मेमोरी टूल याद रखना है। डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल, देव। देव से अभी हम माथा टेकते हैं, है ना? ये गणेश देव है, ये शिव देव है, ये अलग अलग भगवान देव बोलते हैं, देवते देवियां। वो मेमोरी टूल देव। डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल। समझ आया बेटे? यस और नो? वेव योर हैंड्स, राइट हैंड, राइट हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमेशा, अच्छा एक चीज और, इस ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि ये मेमोरी टूल आए? बहुत ही अच्छी बात। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहां रखें? नजदीक रखें, दूर रखें, पास रखें, कहां रखें? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही रे डायग्राम होती है, जहां मर्जी रखते रहो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रखते रहो, इमेज हम के ये तीन गुण हमेशा आएंगे, हमेशा कहीं भी रखते रहो ऑब्जेक्ट। जबकि कॉनकेव मिरर में हमने अलग लिखा था। लिखो सभी पॉइंट। इन केस ऑफ, शाबाश, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, वेदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोजर टू द पोल और अवे फ्रॉम पोल, वेदर, डब्ल्यू वेदर, ये वाला वेदर होगा मौसम वाले स्पेलिंग ना लिख देना, WHETHER, वेदर का मतलब क्या होता है? हाँ या ना। वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोजर और अवे फ्रॉम द पोल, कॉमा, इमेज विल हैव ऑलवेज, इमेज विल हैव ऑलवेज, ये लिख दो वर्ड बेटे मेमोरी टू, देव करेक्टर्स, देव करेक्टर्स इन इट्स नेचर। अगर पेपर में देव लिख दिया ना, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। देव से एरो खींच के लिखो। डिमिनिश्ड, शाबाश, डी से, ई से एरो खींचो, इरेक्ट, वी से एरो निकाल के लिखो, वर्चुअल, तब टीचर आपके फार्मूला दे, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। शाबाश, तीनों एरो लिख दो निकाल के, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल। और ये देखो मेमोरी टूल मैंने अल्फाबेटिकली बनाया। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो कन्वेक्स मिरर में, इमेज के ये तीन गुण होंगे। कौन सा? डिमिनिश्ड मैंने, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होएगा। इरेक्ट मैंने, सीधा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है तो इमेज का हेड भी ऊपर को होगा। वर्चुअल का क्या मतलब होता है? जो इमेज टच नहीं करा जा सकता, जिस इमेज को हाथ से छुआ नहीं जा सकता, वो वर्चुअल होता है। जिस इमेज को बनाने के लिए एक्सटेंडेड रेज की मदद लेनी पड़े, तीन रूल पक्के हैं, थ्री रूल्स, उस इमेज को टच नहीं कर सकते, वर्चुअल। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल लिख भी लो, चलो लिख लो, छोटे बच्चे हो लिख लो, कहीं भूल जाओ, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज, लिखो। वर्चुअल इमेज कैन नेवर बी टच्ड। सेकंड, इट कैन नॉट बी डेवलप्ड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, इट कैन नॉट बी डेवलप्ड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, यानी उसकी कैमरे से फोटो नहीं ले सकते। थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट, फॉर इट्स फॉर्मेशन, फॉर इट्स फॉर्मेशन वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड रेज, वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड रे, एक्सटेंडेड रे या रेज, एक भी रे एक्सटेंडेड ले ली हमने, एकदम से वर्चुअल इमेज बन जाएगा। एक्सटेंडेड रे और एक्सटेंडेड रेज, पहले सिंगुलर लिखना है और प्लूरल दोनों वर्ड लिखने हैं, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। फॉर इट्स फॉर्मेशन वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड रे और एक्सटेंडेड रेज। ये था हमारा रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर का, जिसमें हमने रियर व्यू डिस्कस कर लिया। सेकंड पैराग्राफ, शाबाश, असाइनमेंट में मैं आपको पढ़ रहा हूं, सेकंड असाइनमेंट मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं बच्चे। रोहन्स फादर हैज ए ग्रॉसरी शॉप, हिज फादर वॉज वेरी वरीड एज डेली ही फाउंड फ्यू थिंग्स मिसिंग फ्रॉम द शॉप। रोहन सजेस्ट हिज फादर टू फिक्स अ सिक्योरिटी मिरर विच वुड प्रोवाइड देम अ वाइडर व्यू ऑफ द सराउंडिंग ऑफ देयर शॉप सो दैट थेफ्ट शुड बी मिनिमाइज्ड और नलिफाइड। मान लो आपकी क्लास में एक बच्चा रोहन है और वो एक दिन बैठा था डाइनिंग टेबल पर अपने पापा के साथ खाना खा रहा था। उसने देखा मेरे पापा आज उदास हैं। उसने वैसे ही, पापा मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम क्या, आज पहली बार आप उदास लग रहे हो। नहीं बेटे, तुम तो बच्चे हो, तुम क्या करोगे, हमारी क्लास दुकान में ना आजकल ना कोई सामान चोरी हो रहा है बहुत ज्यादा। मेरी खाने पीने की दुकान है, कभी शहद खाया होता है, कोई चॉकलेट निकाल के खाया होता है, कभी आधा बिस्कुट का पैकेट खाया होता है। मेरे को समझ में नहीं आता कौन सा सर्वेंट ऐसा है जो चोरियां करता है। मेरे पास, मेरी शॉप में तो 6 सर्वेंट है, जब मैं उनको बुला के पूछता हूँ वो कहते हैं हमने नहीं करी, हमने नहीं करी। तो रोहन ने कन्वेक्स व्यू मिरर वाला लेक्चर लिया हुआ था। उसने अपने टीचर को फोन किया, सर जो कन्वेक्स मिरर से वाइडर व्यू मिलता है क्या मेरे पापा दुकान के कॉर्नर में लगा सकते हैं, उनको फिर वर्कर कौन कौन सा काम कर रहा है उसको व्यू मिलेगा, अपने अपने काउंटर पर बैठे हुए वो देख सकेंगे। टीचर ने बोला हाँ नो बेटे, व्हाई नॉट, अगर एक रियर व्यू मिरर सड़क पे आ रहे पीछे बड़े बड़े व्हीकल का छोटा सा इमेज बना के दे रहा है तो तुम्हारे पापा को भी दुकान में जो वर्कर काम कर रहे हैं सर्वेंट्स उन सारों की इकट्ठी फोटो दिख जाएगी, छोटे छोटे दिखेंगे बस। उसने एकदम से, पापा सोल्यूशन मिल गया, उन्होंने कॉर्नर के ऊपर कन्वेक्स व्यू मिरर लगाया। 2 4 दिनों के बाद वो नौकर पकड़ा गया जो चोरियां कर रहा था। क्यों? सारे नौकरों का, सारे सर्वेंट्स का व्यू आने लग गया रियर व्यू मिरर की तरह, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर लगा दिया और सोल्यूशन मिल गया। उसके पापा खुश हो गए कि मेरे बेटे रोहन को साइंस पढ़ने का इतना बड़ा फायदा। आपके आपके किसी भी पापा की अगर कोई फैक्ट्री है, कोई बिजनेस है, आप उनको जरूर सजेस्ट करना जाकर आज कि पापा अपनी शॉप में कन्वेक्स मिरर लगा लो, सबसे ज्यादा 200 रुपए का खर्चा है, सीसीटीवी कैमरा लगाने की जरूरत ही नहीं, आपको काउंटर पर बैठे सब पता लग जाएगा कौन सा वर्कर काम चोर है, कौन सा काम कर रहा है, कौन सा चोरियां कर रहा है, सब पता लग जाए। कौन बच्चा अपने पापा को ये सजेशन देगा आज जाकर अगर बिजनेस है? शाबाश, रेज योर हैंड, याद रखोगे किसका बिजनेस है वो तो हाथ खड़ा करना चाहिए। बोलो, जो जो बच्चे बिजनेसमैन के बच्चे हैं प्लीज रेज योर हैंड, जिनके पापा कोई भी बिजनेस करते हैं। अरे किसी, हाँ, जिनके पापा बिजनेस करते हैं कुछ बच्चे हैं, थोड़े हैं, वो जरूर सजेस्ट करेंगे अपने पेरेंट्स को जाकर कि कन्वेक्स व्यू मिरर लगा लो, ओनली 200 रुपीज लगेंगे, हमारी दुकान में और फैक्ट्री में कोई चोरी नहीं हो सकेगी। शाबाश। तो आप देखो इसमें फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर रोहन सजेस्टेड, कॉन्वेक्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर, ये लिखा ही हुआ है क्या, डेव, डेव बनेगी। इज द सजेशन गिवन बाय रोहन राइट और नॉट कॉनकेव मिरर के लिए, चोरियां रुक जाएंगी? बिल्कुल सही, बहुत अच्छी सजेशन है, अभी अभी हमने डिस्कस करा। अब हमारे पास मॉड्यूल 2 में थर्ड पैराग्राफ है।
मैं चाहता हूं कि मैं ना पढ़ू, मेरे को कोई प्यारा सा बच्चा पढ़ के बताए, राइट? और उसके लिए मैं बुला रहा हूं, बेटे मेरे को ये बच्चा माइक पे आ जाए जरा। खुश खुशी खुशी आई है बेटे 7th A में, खुशी 7th A खुशी, प्लीज कम ऑन द माइक अगर 7th A में खुशी है एब्सेंट। प्लीज तो इसी क्लास में हरप्रीत आ जाए, चलो हरप्रीत, आई वॉन्ट हरप्रीत ऑफ 7th A टू प्लीज कम ऑन द माइक, शाबाश, बॉयज कमिंग विद फुल कॉन्फिडेंस, वेरी नाइस। बेटे आप मेरे को ये पैराग्राफ पढ़ोगे नाउ ए डेज वाला, शाबाश, रीड लाउडली, टेक द असाइनमेंट, टेक द असाइनमेंट, थर्ड पैराग्राफ पढ़ोगे नाउ ए डेज, बोल ही नहीं रहा बच्चा। बेटे नाउ ए डेज मॉड्यूल 2nd पेज नंबर 2, इतनी देर, चलो कोई और बच्चा हो यार, इसको तो मिलता नहीं, कोई और बच्चा हो फिर। 7th A में कौन बच्चा पढ़ सकता है इसको आके, नाउ ए डेज वाला पैराग्राफ, आई वॉन्ट सम डेयरिंग स्टूडेंट फ्रॉम 7th A, आ जाओ बेटे माइक पे आओ ना, माइक पे आओ जिसमें हौसला है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी, Nowadays, शाबाश, स्पीक लाउडली, स्विच ऑन द माइक, want बेटे वंस अगेन रीड इट, कुछ माइक, Nowadays, हाँ नाउ ए डेज के बाद भी तो बोलो, उसके बाद चुप क्यों कर जाते हो बेटे, बैठ जाओ, मेरे को लगता है देयर इज सम प्रॉब्लम इन द माइक, फर्स्ट वर्ड सुनने के बाद सुनाई नहीं देता, लेट मी रीड माई सेल्फ, प्लीज सिट डाउन, नाउ ए डेज यू मस्ट हैड सीन द ह्यूज कॉन्वेक्स मिरर इंस्टॉल एट द ब्लाइंड एंड ऑफ द पोर्ट, सर दिस ह्यूज कॉन्वेक्स सर मिरर, हम कौन से व्हाट आर यू सेइंग, आई वांट डू यू वॉन्ट टू रीड, टू बेटे वॉइस इज नॉट क्लियर, यू आर नॉट ऑडिबल एट ऑल टू मी, सर आप जब बोलते हो ना मेरे को सर वर्ड तो सुनता है, उसके बाद कुछ सुनता ही नहीं, ओके सो लेट मी कंप्लीट इट, दिस ह्यूज कॉन्वेक्स मिरर रिड्यूसेस द रेट ऑफ एक्सीडेंट्स एट द ब्लाइंड एंड, बेटे आपने हिली एरिया में देखा होगा, हिमाचल में, उत्तरांचल में, जहां पर बिल्कुल तीखा रोड होता है, ब्लाइंड रोड किसको बोलते हैं, जिस मोड़ के ऊपर, ब्लाइंड टर्निंग किसको बोलते हैं, जिस मोड़ के ऊपर दूसरी साइड से आने वाला व्हीकल हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, उसका आइडिया नहीं लगता, बीच में कोई पहाड़ी आ गई, कोई ऊंची दीवार आ गई, कुछ भी, तो हम कॉर्नर के ऊपर मिरर लगा देते हैं ताकि मिरर के ऊपर फोटो आए और हमें वो दिखाई दे, कन्वेक्स मिरर लगा के दूसरी साइड में जो ड्राइवर आ रहा होता है उसको दिख जाता है, सेफ्टी डिवाइस होती है। तो आप क्या बोलोगे इसको इंग्लिश में लिखना हो, आप लिखोगे बाय इंस्टॉलिंग द कन्वेक्स मिरर एट दी ब्लाइंड रोड्स, द ड्राइवर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड कैन क्लियरली सी द इमेज ऑफ द कमिंग व्हीकल एंड द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड। चलो एनी हाउ अब हमने फिलिंग दी ब्लैंक्स पढ़ने हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, कौन से मिरर में बनता है हमेशा, ऑलवेज मेकअप मिरर, रियर व्यू मिरर, लेटरल इन्वर्जन, प्लीज मैं ये कह रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन, रीड इन दी असाइनमेंट,
व्हाट टाइप ऑफ मिरर, तीनों मिरर्स में से कौन सा मिरर होता है जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा बनता है? सर रिपीट थर्ड क्वेश्चन प्लीज. थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, ऐसे था थर्ड क्वेश्चन, लेट मी सी, बोर्ड पे थोड़ा बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में ऐसे है बेटे, अगर इधर से एक रोड है, प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इधर से एक और रोड है बेटे, देखो बिल्कुल ये ब्लाइंड रोड है, यहां पर जो कार जा रही होगी उस कार को उधर से आ रही कार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। देखो ये कार ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो इनके एक्सीडेंट होने के बिल्कुल चांसेस हैं, क्यों? यहां पर पहाड़ियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, इनको दिखती नहीं, तो ये ब्लाइंड रोड, ब्लाइंड टर्निंग हो गई है, तो यहां पर इनके एक्सीडेंट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक मिरर लगा देते हैं, ऐसे मिरर लगा देते, तो कार नंबर वन का फोटोग्राफ फोटो आएगा, कार नंबर टू को दिखेगा, कार नंबर टू के ड्राइवर को दिख जाएगा, और दूसरी तरफ कार नंबर टू का फोटोग्राफ कार नंबर वन के ड्राइवर को, इस तरह से हम एक्सीडेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर का बेनिफिट लेते हुए। गॉट इट? ये कहां पर हम यूटिलिटी लेते हैं इसकी, वैसे कहां पर लेते हैं? इन हिली एरियाज, हिली एरियाज, और कहां पर लेते हैं बेटे? इन क्राउडेड सिटीज, क्राउडेड सिटीज जैसे बॉम्बे दिल्ली, वहां पर भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन जाती हैं, व्हीकल के आपस में टकराने पर, टकराने के बहुत चांसेस होते हैं, ब्लाइंड टर्निंग बन जाती है ये वाली। ओके ये तो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी हमने कर लिया कि जो मेकअप मिरर होता है ना, प्लेन मिरर, उसका जो इमेज होता है वर्चुअल और इरेक्ट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन में टॉर्च लाइट जो होती है ना बेटे, टॉर्च लाइट, ये सुन लो बस, दो मिनट हमने और पढ़ना है, उसके यहां पर बल्ब लगा होता है, और बैक साइड पर हम यहां पर कॉनकेव मिरर लगाते हैं, कॉनकेव, ताकि इस बल्ब से जो लाइट गिरेगा वो फॉरवर्ड तो गिरे ही गिरे, फॉरवर्ड तो गिरे ही गिरे, लेकिन जो लाइट बैक साइड पर जा रही है वो भी पीछे टकराकर फॉरवर्ड आ जाए, बल्ब से पीछे टकराकर फॉरवर्ड आ जाए। मिरर लगाते हैं ना हम किसके अंदर, टॉर्च के अंदर, वो कॉनकेव मिरर लगाते हैं, कॉनकेव, व्हाई? सच दैट लाइट स्ट्राइक्स ऑन द मिरर एंड कम्स फॉरवर्ड, यहां अगर बल्ब लगा हुआ है, पीछे कर्व्ड मिरर है, इससे टकराने के बाद ये लाइट सामने की तरफ आ जाएगी, ऐसे हमारी लाइट फॉरवर्ड आएगी, और बल्ब से जो आगे जाएगी वो तो जाएगी जाएगी, इधर बैक साइड पर टॉर्च होती है। गॉट इट? लास्ट के दो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिरर कन्वर्जिस द रेज ऑफ लाइट इन ए सिंगल पॉइंट, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये देखो ये कॉनकेव मिरर है, इसके ऊपर में अगर मैं इंसिडेंट लाइट ऐसे फेंकूंगा, ऐसे और ऐसे, वो फोकस पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होने के बाद सुकड़ जाएगी, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्ज, कन्वर्जिंग, फोकसिंग, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग करता है? कॉनकेव। विच मिरर इज यूज इन द टच इज कॉनकेव मिरर, इट इज यूज, ये तो हमने बता ही दिया था, ठीक है, सातों के सातों क्वेश्चन हो गए हैं बेटे, और अगली बार फिर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे असाइनमेंट नंबर, एक क्वेश्चन और बचा, चलो, ए कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, इमेज, कैन ए कन्वेक्स मिरर एवर मेक द रियल इमेज? नो,
कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बनता, क्यों? क्योंकि टीचर ने उसका एक ही मेमोरी टूल बता दिया था बस, कॉन्वेक्स मिरर का। कोई बच्चा बताएगा कॉन्वेक्स मिरर में डेव का क्या मतलब था? इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। इन्वर्टेड कहा है इसमें, है ही नहीं इन्वर्टेड। तो देव, डी स्टैंड डिमिनिश, ई स्टैंड फॉर, बेटे ई स्टैंड फॉर, इरेक्ट वी स्टैंड फॉर अर्जुन। वर्चुअल। इसका मतलब अब हम केस स्टडी सेकंड पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। मॉड्यूल 3 के बिल्कुल पास पहुंच गए हम। आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कितने बच्चों को आज का लेक्चर समझ आ गया? वो सारे बच्चे खड़े होकर हाथ वेव करेंगे। प्लीज एक खड़े भी हो जाओ एक बार, ताकि आपको फ्रेशनेस आ जाए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। शाबाश शाबाश, वेव योर बोथ हैंड्स। अगर लेक्चर समझ आ गया, वेव योर बोथ हैंड्स। अगर आ गया समझ, ओके बाय बाय, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम। Come on.